हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मदर टीचर। मैं हूँ नेहा भटनागर और आज हम करेंगे एडिशन ऑन नंबर लाइन। ये हम बच्चों को सिखाते हैं जब उनको एटलीस्ट 10 और 20 तक काउंटिंग आती हो। तो फर्स्ट स्टेप जब हम उनको एडिशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है नंबर लाइन के थ्रू, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है और बच्चों के लिए ईजी भी होता है एडिशन सीखना। ठीक है, तो उस नंबर लाइन से पहले हमने उनको पिक्चर की हेल्प से सिखाया होता है कि थ्री फिशेस प्लस थ्री फिशेस, तो काउंट करेंगे फिर उसको लिखेंगे। उसके बाद जब हम पिक्चर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि उनको नंबर लाइन की हेल्प से एडिशन सिखाएंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जब हम एडिशन सिखाएंगे, मेक श्योर कि उनको ये पता हो कि फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होती है और बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है। 10, 9, 8, 7 बैकवर्ड काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5 फॉरवर्ड काउंटिंग, तो उनके लिए और ईजी हो जाएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना। तो अभी हम एडिशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो अब डायरेक्ट सिखाएंगे तो वो ऑब्वियसली नहीं सीखेंगे, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा। तो आप छोटी छोटी 2-2 lines की स्टोरीज बिल्ड कर सकते हो उनको सिखाने के लिए। तो जैसे मैं अपने क्लास में जब बच्चों को करवाती हूँ तो किस तरह से कि हमने काउंटिंग एडिशन करनी है तो हम कैसे करेंगे। सपोज अभी हम लिख रहे हैं 4 + 2, ठीक है, तो ये क्या होगा। तो सबसे एक तो हम ये सिखाएंगे कि फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है एडिशन स्टार्ट करने से पहले। सेकंड चीज़ हम सिखाएंगे कि बिग नंबर और स्मॉल नंबर, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम बच्चों को ज़रूर सिखाएंगे, उसके बाद ही हम ये वाली एडिशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिग नंबर और स्मॉल नंबर से उनके लिए और ईजी हो जाएगा। तो ये कैसे सिखाना है वो वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब 4 + 2 है, अच्छा ठीक है। अब हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, आप कोई भी मतलब टॉय ले सकते हो उनका, या आप ड्रॉ कर सकते हो, बनी ले सकते हो, किसी भी तरह से कुछ भी आप इमेजिनरी स्टोरी उनके लिए बना सकते हो कि बनी को ना जंप करना है तो वो कैसे करेगा, उसको ऐड करना है, उसको नहीं आ रहा है ऐड करना, तो क्या आप बनी की हेल्प करोगे, या फिर क्या आप फ्रॉगी की हेल्प करोगे, या आप अगर उसका कोई इंटरेस्टिंग टॉय है उसकी हेल्प लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। तो बताओ, आप बताओ कैसे होगा 4 + 2। सपोज हमने बनी रखा हुआ है वहाँ पे, तो हम उसकी हेल्प से कर रहे हैं कि बनी को नहीं पता चल रहा है, तो क्या आप अपने फ्रेंड की हेल्प करोगे ऐड करने में। तो ठीक है, कैसे करेंगे, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे विच इज़ बिग नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है, हाँ 4, तो हम यहाँ पे नंबर 4 सर्कल कर देंगे। ठीक है, हमने ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा जब एडिशन कराएंगे तो हम सबसे पहले बड़े नंबर को सर्कल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नंबर 2। ठीक है, तो हम बनी क्या करेगा, कैसे पता चलेगा उसको 4 + 2 क्या होता है, यहाँ पे नंबर 2 है तो वो 2 step जंप करेगा, 1 step 2 step, तो वो कहाँ पहुँच गया, नंबर 6 पे पहुँच गया। तो आंसर क्या होगा, 4 + 2 = 6। ठीक है, इस तरह से करवाएंगे। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, सपोज हमारे पास नंबर है 3 + 5। आप भी बताओ बिग नंबर कौन सा है। तो हमने बच्चों को ये नहीं बताना है कि पहले यही वाला करना है या ये वाला, आपको बस ये चेक करना है कि बिग नंबर कौन सा है। हाँ 5 बिग नंबर है, तो हमने किसको सर्कल करना है, नंबर 5 को सर्कल करना है। तो आप बार बार एडिशन ये नंबर लाइन बना सकते हो, या फिर आप उसको इरेज करके इस तरह से बच्चे से करवा सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी नंबर 5 है, तो 5 को बिग नंबर इज 5, तो आपको क्या करना है, 5 को सर्कल करेंगे। अब बनी को कितने स्टेप्स जंप करना है, सेकंड नंबर कौन सा है, नंबर 3, तो 3 step जंप करेंगे, 1, 2, 3, हम कहाँ पहुँच गए, नंबर 8 पे, तो आंसर इज 8। ठीक है, इस तरह से करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल, सपोज 2 + 1, ठीक है, अब क्या करेंगे, बिग नंबर इज 2, यस, तो आपको कौन सा नंबर सर्कल करना है, नंबर 2, और प्लस 1 मीन्स आपको कितने स्टेप जंप करना है, जो दूसरा वाला नंबर बचेगा स्मॉल नंबर, उतने स्टेप्स, लेट्स जंप फ्रॉम नंबर 2, 1 step, तो आप कहाँ पे पहुँच गए, नंबर 3 पे। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे बच्चों को एडिशन सिखाएंगे। इसको करने में बहुत मज़ा आता है बच्चों को, बार बार लाइन बनाना। आप उनको जंप करने के लिए बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि चलो हम ट्रेन पे करेंगे, ये ट्रेन है, चलो ट्रेन कहाँ तक जाएगी, कौन से स्टॉप पे जाएगी, ये वाला स्टॉप है, नंबर 5 स्टॉप है, उसको और कितने स्टॉप तक जाना होगा, नंबर ये
उसको 3 स्टॉप्स तक जाना है आगे, तो आप उसको 1 स्टॉप 2 स्टॉप 3 स्टॉप, तो वो कहाँ पहुँचेगा, नंबर 8 पे। तो आप कुछ भी जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा वर्ड, आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए बहुत ईजी हो जाता है एडिशन करना, और 4-5 टाइम तक आप करवाएंगे तो उसके बाद तो वो खुद से ही करेंगे, और उनको बस एक बार लाइन बना के दोगे तो और अच्छे से करेंगे, और धीरे धीरे तो वो खुद ही लाइन लगाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा चैनल द मदर टीचर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग टू यू।